दोस्तों नमस्कार। आज फिर आपके सामने हाजिर हूं व्याकरण का एक नया उपविषय लेकर के, समास। आज हम पढ़ेंगे समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, समस्त पद क्या है और समास का विग्रह किस प्रकार से होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि समास में कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है और कभी कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। कभी दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कभी पहला पद संख्यावाची होता है। तो आइए एक बार ध्यान दीजिए, ध्यान दें। पेट भरकर नियम के अनुसार अमृत की धारा तुलसी द्वारा कृत भारत का वासी, गुण और दोष नर नारी, चार भुजाएं हैं जिसकी, पर्वत गिरी पर्वत को धारण करने वाला। यदि हम इन पदों पर ध्यान दें, पेट भरकर से एक नया पद बनता है भरपेट। नियम के अनुसार जब इसको हम संक्षिप्त करते हैं तो एक नया पद बनता है यथा नियम। इसी प्रकार अमृत की धारा में से यदि हम अभिव्यक्ति का लोप कर दें और एक नया पद बनता है अमृत धारा। तुलसी द्वारा कृत से एक नया पद बना तुलसीकृत, भारत का वासी भारतवासी, गुण और दोष गुण दोष, नर नारी नर और नारी, चार भुजाएं हैं जिसकी, चतुर्भुज, गिरी को धारण करने वाला कोई भी। आपने देखा जब हम दो या दो से अधिक पदों को मिला करके एक नया पद बनाते हैं, जब हम दो या दो से अधिक पदों को मिला करके उसका संक्षेप करते हैं, उसको छोटा करते हैं, तो वह समास कहलाता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस, अर्थात आस पास। तो देखिए समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, योग मेल। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना संक्षिप्त संक्षिप्त शब्द या पद। इसकी परिभाषा यदि हम देखें, दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए पद की रचना करते हैं, यह नया पद ही समास है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द या पद मिल जाते हैं और एक नए स्वतंत्र शब्द या पद का निर्माण होता है, वह समास कहलाता है। यहां पर हम शब्द और पद को समझने का प्रयास करेंगे। शब्द जब कोई भी वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि, वह शब्द कहलाएगी। जब शब्दों को हम व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग करते हैं, वो शब्द पद बन जाते हैं। इसी प्रकार समास में शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं तो वो पद कहलाएंगे। तो समास क्या हुआ? दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया सार्थक पद बनता है वह समास कहलाता है। अब हम देखेंगे कि इसमें दो या दो से अधिक पद किस प्रकार से मिलते हैं। समास का जो निर्धारण है, समास को हम पदों के आधार पर भागों में बांटते हैं। तो पद देखिए, पूर्व पद और उत्तर पद, जन्म से लेकर, इसमें जो जन्म है या आजन्म है, आ में पूर्व पद है और जन्म में उत्तर पद है। इन दोनों को मिलाकर के समस्त पद बनाया गया है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा पहला पद है और शक्ति उत्तर पद है। धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ में धर्म
पूर्व पद है और ग्रंथ उत्तर पद है। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल पूर्व पद और नयन उत्तर पद। दोपहर, दो पहरों का समाहार, दो पूर्व पद और पहर उत्तर पद। असफल नैसफल, अ पहला पद और सफल दूसरा पद। अनजल अन और जल, अन पहला पद और जल दूसरा। हार और जीत, हार जीत, हार में जो हार है वो पूर्व पद है और जो जीत है वो दूसरा पद है। इस प्रकार से हमने इन पदों में देखा कि जो पहले पद आता है वह पूर्व पद है और जो बाद में पद आता है वह उत्तर पद है। आजन्म, आजन्म में आ पहला पद या पूर्व पद है। जन्म में जो जन्म है वह उत्तर पद या दूसरा पद है। इसी प्रकार हार जीत, हार जीत दो पद हैं। जो हार है वह पहला पद या पूर्व पद है, जो जीत है वह दूसरा पद या उत्तर पद है। इस प्रकार से जब हम इन समासों को अलग अलग खंडों में बांटते हैं वह समास विग्रह कहलाता है। अब हम बात करते हैं समास विग्रह और समस्त पद की। समस्त पद समास के नियमों से निर्मित शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। जैसे चौराहा, पाठशाला, घनश्याम। समास विग्रह समस्त पदों को अलग अलग करके लिखना। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे चौराहा समस्त पद है, जब हम इसको प्रसारित करके लिखते हैं, इसके जितने भी पद हैं उनको अलग अलग करके लिखते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। चौराहा चार राहों का समाहार, पाठशाला पाठ के लिए शाला, घनश्याम घन के समान श्याम। दोस्तों आज आपने समास के बारे में पढ़ा, समास क्या है, समस्त पद क्या है, समास विग्रह किसे कहते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे समास के भेद और उनका किस प्रकार से हम अलग अलग ढंग से विग्रह करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।